नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं आखिरी है बाज। अभी हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं जदयू के गद्दावर नेता राकेश रंजन जी और जैकी कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं 2025 को मुद्दे को लेकर, और कुछ समस्या है जो नल जल की समस्या है या नली गली की समस्या है उसको लेकर हम बात करते हैं। बताइए सर, पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है 2025 को लेकर? जहानाबाद में 2025 चुनाव को लेकर के हम लोग तैयारी में हैं, और उसी के पर्पज़ से हम लोग अभी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। घूमने के दौरान आम जनता के समस्याओं को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसमें नल जल खराब है और नाला वगैरह खराब है, तो उन सभी चीज़ों को संज्ञान में हम लिए हैं और संबंधित पदाधिकारी और मंत्रियों से हम इन सब बातों को लेकर के मिलेंगे, बात करेंगे और सारे समस्याओं का समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। बताइए 2025 में किसके साथ हैं? हम लोग तो सरकार के साथ सब दिन रहे हैं और NDA के साथ रहेंगे ही, और रहे हैं और रहते रहेंगे। अगर मौका मिला तो जहानाबाद, हम दोनों ने जहानाबाद, घोसी, इन सब कहीं से अगर मिलता है टिकट तो हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी हम लोगों ने कर रहे हैं दोनों। तो किससे लड़ेंगे, समर्थक से लड़ेंगे कि टिकट से मिलेगा तो लड़ेंगे? टिकट मिलेगा तब लड़ेंगे, नहीं तो हम लोग समर्थन करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर NDA से टिकट चाहते हैं? हाँ, NDA से टिकट तो हम लोग चाहते ही हैं। और अगर नहीं मिलेगा तो आप समर्थक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं जहानाबाद में रहते हैं और जनता का सेवा करते हैं। का वार्ड नंबर 5 में पानी का समस्या है, 5 दिनों से नल जल खराब है। आने के बाद पता चला कि नल जल खराब है, इसके लिए हमने एग्जीक्यूटिव से बात भी किया है और कहा है कि अगर नहीं चला तो जनता उसके लिए कड़ा कदम उठाएगा। अच्छा, और उच्च पदाधिकारियों से बात करेंगे इसके लिए। चले तो आपका भी, और बताइए सर कि आजकल जो शिक्षा पर भी सुधार नहीं हो रहा है, न बेरोजगारी पर कुछ काम किया जा रहा है बढ़िया से, और न ही घोटाला घुसखोरी बंद हो रहा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए सामाजिक रूप से सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और शिक्षा के जहाँ तक बात है, पहले से शिक्षा व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है, और BPSC के माध्यम से जब शिक्षकों की बहाली शुरू हुई है तब से शिक्षा व्यवस्था का हाल सुधर रहा है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है तो भ्रष्टाचार में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सभी लोगों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज समाज जब तक एकता नहीं रहेगा तब तक कोई विकास होने वाला है, सही बात है कि नहीं? हाँ, एकत्रित तो होना ही पड़ेगा, एकता में ही बल है कहा जाता है, और सब लोग एकजुट होकर के किसी भी समस्या से लड़ेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। तो क्या एक अभियान शुरू कर रहे हैं सर, एकता अभियान यात्रा, जिसमें पूरा संगठित हम लोग हो रहे हैं हर पंचायत जिला में, तो क्या आप उसमें भी भागीदारी लेंगे? जरूर, आपका सहयोग करेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों को आगे करिए, जरूरत पड़ने पर हम लोग साथ में हैं। क्या आप साथ हैं सर? भरपूर साथ देंगे उसमें, जितना भी भ्रष्टाचार है जिसका मिटाने के लिए आप एकता चला रहे हैं उस तरह का संस्थान, तो उसमें लोग भरपूर सहयोग करेंगे, जितना ताकत उससे ज़्यादा लगाएंगे उसमें। ये दोनों समाज के प्रति बहुत सारे, मतलब कि ये काम करते रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कुछ बड़ा करना। पहले भी हम लोग जहानाबाद विधानसभा 2015 चुनाव में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, जिसमें प्रवीण कुमार को NDA गठबंधन से टिकट मिला था। उसी समय से हम लोग जहानाबाद, अरवल, कुर्था, घोसी, मतलब लगभग मगध प्रमंडल के लगभग विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग काम किए हैं, करते रहे हैं, और फिर विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उसी के पर्पज़ से हम लोग चुनाव के मद्देनज़र हम लोग घूम रहे हैं और संभवतः चुनाव लड़ने का भी हम लोग मन बनाए हुए हैं। अच्छा, अगर टिकट मिलता है टिकट मिलता है तब भी चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो उसके बाद जो विकल्प होगा देखा जाएगा। तो आप भी बताइएगा कि बिना एकता के कोई विकल्प है आज हमारा समाज को बदलने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए? जब हम लोग जागरूक होंगे तभी हम लोगों का बदल पाएगा, क्योंकि कितना भी ईमानदार नेता क्यों ना आ जाए, जनता जब तक कॉपरेट नहीं करेगा संग्रह होके तब तक कोई भी चीज़ में विकास नहीं होगा। अब जैसे वहाँ से पैसा मान लीजिए कि इंदिरा आवास के लिए आता है, लेकिन आप सुने होंगे कि कई जगह पर इंदिरा आवास जिसको घर है ओकरे मिल जाता है, हाँ, और गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। निचले स्तर पर खामियां हैं, उसको सुधारने की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ,
और जहाँ इंदिरा आवास में कहीं सुने होंगे कि 30,000 घूस लगता है तो कहीं 40,000 काट लेता है, सुने हैं? हाँ, इस तरह की बात होते रहती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। इस पर संबंधित पदाधिकारियों को और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उन लोग को ध्यान इस पर देना चाहिए कि ताकि इस तरह का काम ना हो और आम जनता को उसका हक का अधिकार मिल सके। चलिए, अपना भी राज्य रोक दीजिएगा और हम ऐसे ही हर लोगों से मिल रहे हैं, अपना राय जान रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।